इसको, फेशियल किया तो हमारी स्किन के ऊपर ना दाने निकल आए। रीजन ये होती है कि स्किन की थेरेपी करेंगे पॉलिश के दौरान इनके फेस के ऊपर मैंने 7 मिनट इसकी एप्लीकेशन की, कोई इनको इचिंग नहीं हुई, कोई रैशेज नहीं पड़े और माशाल्लाह इनकी स्किन एक्स्ट्रा ग्लो कर रही है। उसके बाद मैंने इनका फोमिंग क्लिनजर से क्लिनजिंग की और अब मैं थर्ड स्टेप इनका करने लगी हूँ एक्सफोलिएटिव स्क्रब से। हमारा जो ये स्क्रब है इसके वॉलनट्स बहुत सॉफ्ट एंड राउंड शेप में है, ठीक है। आप मोस्टली जो फिश अपना स्क्रब यूज करते हैं उसमें आप देखती हैं कि ये जो वॉलनट्स हैं ये इतने हार्ड होते हैं कि आपकी डेड स्किन को बहुत सख्ती से रिमूव करते हैं, बट ये देखिएगा पॉलिशर के बाद मैं इनको स्क्रबिंग करने लगी हूँ और इस स्क्रबिंग में इनको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इनकी स्किन के ऊपर कोई चीज अप्लाई हो रही है, लेकिन हमारा स्क्रब जो है वो बहुत सॉफ्टली इनकी डेड स्किन को और रिमूव करेगा और इनके वाइटनिंग एजेंट्स इसमें ट्रांसफर करेगा और आपकी बहुत सॉफ्टली स्मूथली स्किन को साफ करेगा। इसको क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज हम ये देखें, ये आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, राउंड क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज ये देखें, ठीक है, समझ आ रहा है आप सबको। ये देखे नोज पे भी मैं क्लॉक एंटी क्लॉक ही कर रही हूँ। मोस्टली हम ये चीज छोड़ देते हैं लिप्स की साइड पे जो जगह है, ठीक है, ये और ये नोज के पास, ये देखिए पॉलर्स में हम जो स्क्रबिंग करते हैं वो 5 से 7 मिनट की होती है और डेमो में हम जस्ट 3 मिनट की स्क्रबिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जब ये चेयर पे बैठी थी और इनकी स्किन कैसी थी और आप देखें अब इनको मैं स्किन लाइटनिंग स्क्रब करूंगी। स्किन जो एक्सफोलिएटिव स्क्रब किया उसने डेड स्किन रिमूव की और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन दी और ग्लो दी। अब जो हमारा स्किन लाइटनिंग स्क्रब है ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्टली आपकी स्किन को लाइटर टोन की तरफ लेकर आएगा और आपकी स्किन जो है एक्स्ट्रा ग्लो करेगी और सेम वैसे ही इसको भी अप्लाई करना है क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज। ये भी ग्रेनुलर है जी, इसमें भी वॉलनट ग्रेन्स हैं और बहुत सॉफ्ट है और बहुत मतलब छोटी और अच्छी उसकी है मिकदार। ये देखें आप ना जब भी स्पेशल हीट होती है हमारी ये जो शहादत की उंगली और थंब है इसमें भी हीट होती है, ठीक है। आपने जस्ट ये 3 फिंगर्स है वो अपने फेशियल में यूज करनी है। अब मोस्टली लोग जो जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती वो कहते हैं जी हमने फेशियल किया तो हमारी स्किन के ऊपर ना दाने निकल आए या रेडनेस होगी। उसकी रीजन ये होती है कि उनको पता नहीं होता कि हमने फेशियल कैसे करना है। अब ये देखें आपने देखा होगा पूरे स्टेप में क्लेंजिंग और स्क्रबिंग में मैं सिर्फ जस्ट 3 फिंगर्स यूज करती हूँ, मोस्टली 2, ठीक है। ये जो हमारी मॉडल है ये ब्लीच करवाने से कतरा रही थी क्योंकि ब्लीच के बाद इनकी फेस के ऊपर रैशेज हो जाती थी और इनकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती थी, लेकिन इन्होंने 7 मिनट ब्लीच अप्लाई की और उसके बाद ये प्रॉपर फेशियल ले रही है वाइटनिंग का और इनको कोई इस किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू नहीं बना। अब ये मैं इनको 3D व्हाइटनिंग सीरम लगाने लगी हूँ। इसको भी देखें मैं कैसे अप्लाई करूंगी।
ये देखिए, स्किन की थेरेपी करेंगे हम जस्ट टाइपिंग। ये देखें, स्किन के अंदर ऑब्जर्व करेंगे इसको। इससे बड़ा सुकून मिलता है, रिलैक्स फील होता है। आप बताएं।